पेट में कैंसर का शिकायत हो गया था, तो थेरेपी के साथ साथ पूरा बाल झड़ गया था। नमस्कार साथियों, मैं रवि ठाकुर, न्यूट्रिशन काउंसलर, फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल आरसीएम प्रॉब्लम सॉल्वर में। साथियों, जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। अगर समय रहते हम इनको पहचान कर लें और अपने खान पान में सुधार कर लें और न्यूट्रिशन यूज करें तो काफी हद तक हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में एक हमारी दीदी है सीमा जी, जिनको कैंसर हुआ था और इनका कीमोथेरेपी अभी भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ में इनको कुछ न्यूट्रिशन दिए हैं जिनके कारण आज इनको कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, तो उसके बारे हम लोग आज जानेंगे समझेंगे, ताकि इनको देख के लोग भी न्यूट्रिशन यूज करें और अपने खान पान को भी सुधारें, जिससे इनको कोई ना कोई बीमारियां हैं वो सारे लोग बीमारियां से बच सके। तो स्वागत करते हैं हमारी दीदी सीमा जी को। वेलकम है सीमा जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सीमा देवी है और हम रातू प्रखंड से हूँ। सीमा जी, आपको परेशानियां क्या थी? सर, मेरा पेट में कैंसर का शिकायत हो गया था, अभी बड़ी आती है। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएं? डॉक्टर से तो दिखाए और ऑपरेशन भी हुआ, इससे मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। आपका जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ, कल्प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज विमेन, न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा गामा, ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने सीमा जी को सजेस्ट किए थे और ये कीमोथेरेपी के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे थे। तो जब प्रोडक्ट्स यूज किए तो आपको क्या फायदा हुआ ये लोगों को बताएं। और न्यूट्रीचार्ज S5 और ये गामा कीमोथेरेपी के साथ साथ ये सब हम खाने लगे, पूरा बाल झड़ गया था और थोड़ा थोड़ा अभी निकल रहा है, मैं अभी कमजोर नहीं लग रहा है और अभी फिटनेस हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि सीमा जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इनका कीमोथेरेपी चल रहा था, साथ ही साथ में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। कीमोथेरेपी के बाद जो परेशानियां होती है, जैसे पूरा शरीर वीक हो जाता है, पूरा बाल झड़ जाते हैं, जल्दी निकलते नहीं है, मसल पूरा डैमेज हो जाता है और भी बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं, वो सारे सिम्टम्स इनको झेलना नहीं पड़ा, सिर्फ बाल इनका झड़ा लेकिन वो बाल अभी निकलना शुरू हो गया है। तो आप लोग को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम सारे लोग मिलकर अगर न्यूट्रिशन के फील्ड में काम करें और खान पान पे ध्यान दें, तो कितना भी गंभीर बीमारियां है वो सारे बीमारियों के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज डॉक्टरों को धन्यवाद।